नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। इस वक्त सियासत की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार की सियासत की। ये सबसे बड़ी खबर है कि जो उपेंद्र कुशवाहा है आरएलएसपी सुप्रीमो, वो महागठबंधन से बाहर हो गए हैं और वो अब एनडीए में भी नहीं जा रहे हैं, ये भी तय हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती के साथ हाथी की सवारी करने का ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ गठबंधन बना लिया है और आज उन्होंने उसका औपचारिक ऐलान कर दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि वो बिहार में मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनके साथ एक और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हुई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो गठबंधन बनाया है उसमें मायावती की पार्टी बसपा के साथ साथ जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, यानी तीन पार्टियों का गठबंधन बिहार में तैयार हो गया है। ये गठबंधन जो है बिहार में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए आ गया है। दरअसल ये बिहार में एक नया गठबंधन है। इसके पहले पप्पू यादव ने भी एक गठबंधन बनाया था, उसके पहले ओवैसी जो हैं, ओवैसी ने भी मिलकर एक गठबंधन का बनाया था। तो ये जो दो तीन नए गठबंधन जो सामने आ गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अब जो ऐलान कर दिया है कि वो एनडीए के खिलाफ भी ताल ठोकेंगे, नीतीश के खिलाफ भी ताल ठोकेंगे और तेजस्वी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब साफ हो गया है। आज जो है, अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ था उपेंद्र कुशवाहा के कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की क्या करेंगे, पर आज जो है उन्होंने इस सारा सस्पेंस खत्म कर दिया है कि वो न महागठबंधन के साथ रहेंगे और न ही एनडीए के साथ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा संभाल लिया है और अब वो दोनों ही पार्टियों के खिलाफ ताल ठोकेंगे, दोनों ही गठबंधनों को चुनौती देंगे। ये बात अब तय हो गई है और बिहार में सियासत ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बिहार को बाहर लाया जाए, क्योंकि बिहार की जनता चौतरफा परेशान। नीतीश जी ने वादे को बहुत बड़े बड़े किए थे, सपने बहुत दिखाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। नतीजा हुआ कि पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था थोड़ी थी भी, पूर्णतः ही के राजकाल में सरकारी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई। शिक्षा ऐसी चीज है जिससे के माध्यम से ही गांव के गरीब घर के बच्चों की तकदीर बदल सकती है। अच्छी शिक्षा होगी, बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर इंसान बनेंगे। नौजवानों को भी अच्छा रोजगार तभी मिलेगा जब शिक्षा बेहतर उनको मिल पाए। तो नौजवान जो हमारे बिहार के रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं, डर डर की ठोकर खाते हैं, 5,000 रुपया की नौकरी उनको नहीं मिल पाती है, उसके पीछे भी बड़ा कारण है शिक्षा। अच्छी शिक्षा का बिहार में नहीं हुआ, तो इस तरह की स्थिति। साथ ही साथ नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं, अनेक बार, आप सब लोग गवाह हैं, लगातार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके मकान को जब्त करेंगे, उनकी जमीन को जब्त करेंगे और उनके मकान में विद्यालय खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने सरकारी विद्यालयों में आपने सरकारी विद्यालय खोले आपने ऐसे भ्रष्टाचारियों के मकान को जब्त करके? नारा जरूर उन्होंने दिया, लेकिन पुरानी सरकार की राह पर नीतीश कुमार भी चल पड़े। पुरानी सरकार में बैठे हुए लोग दोनों हाथ से खजाना को लूटते थे, पहले वाले 15 साल वाले। नीतीश कुमार जी ने तरीका थोड़ा बदल दिया, माध्यम बीच में अधिकारियों को, दूसरे लोगों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन लूट इनके राज्य में भी उससे भी ज्यादा और बढ़ गई। भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया, सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए हुए न ये काम पहले होता था और न नीतीश जी के राज में। हालांकि कुशवाहा
कि इस चुनौती को कोई खास जो पार्टियां हैं जो एनडीए या फिर महागठबंधन तवज्जो देने के मूड में नहीं है, पर उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से नई पार्टी का गठन किया है और चौंकाते हुए बिल्कुल जिसको कहा जाए कि मायावती के साथ, मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, बहुजन समाज पार्टी जो यूपी की कभी कद्दावर पार्टियों में गिनी जाती रही है, उस पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया है। और ये माना ये भी जा रहा है कि जो अन्य गठबंधन है, जो पप्पू यादव का गठबंधन है, उनसे भी उनकी बात चल रही है, हो सकता है भविष्य में वो साथ आ जाए। हालांकि फिलहाल जो है उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो महागठबंधन के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। और ये इसके साथ ही साथ अब जो है महागठबंधन के अंदर या फिर एनडीए के अंदर सीटों का सस्पेंस भी खत्म होने लगा है। सीट शेयरिंग का जो सस्पेंस जो बना हुआ था कुशवाहा की वजह से, वो अब खत्म होता दिख रहा है। महागठबंधन हो या एनडीए के अंदर बात बनती दिख रही है, कुशवाहा अब अलग रास्ता कुशवाहा ने पकड़ लिया है। तो अब माना यह जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के अंदर सीटों का जो मसला है वो भी सुलझ जाएगा। हो सकता है कल तक सीटों का ऐलान हो जाए एनडीए के अंदर और महागठबंधन भी कल या परसों तक सीटों का ऐलान कर दे। तो ये इस वक्त के सियासत की सबसे बड़ी खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अलग राह पकड़ ली है। वो मायावती के साथ, उनकी पार्टी के साथ हाथी की सवारी करेंगे और अब जो बिहार में है नीतीश कुमार और तेजस्वी को चुनौती देंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।